चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव पर एक बार फिर से कानूनी शिकंजा कसने वाला है। दरअसल बीते बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की बेंच ने लालू प्रसाद यादव समेत 77 आरोपियों की ओर से दायर अर्जी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि फिजिकल कोर्ट के खुलने तक सुनवाई टाल देनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि अब 13 अगस्त से इस मामले की सुनवाई डे टू डे के आधार पर होगी। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से हो इसको लेकर याचिका दायर की थी। वहीं सीबीआई ने भी इस विरोध में रिज्वाइंडर दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं वे लोग अदालत के आदेश पर दस्तावेज देख लें और बहस करें। वहीं जो फिजिकल माध्यम से करना चाहते हैं वो फिजिकल से करें, लेकिन इस बहस के दौरान केवल 5 लोग मौजूद रहेंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के मुश्किलें जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की बेंच ने लालू प्रसाद यादव समेत 77 आरोपियों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी गई, जिसमें ये कहा गया था कि फिजिकल कोर्ट खुलने तक मामले की सुनवाई जो है वो टाल देनी चाहिए। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि ये मामले की सुनवाई उसी समय से होगी जो तारीख दी गई है और अब डे टू डे इस मामले में सुनवाई होगी। को इस मामले में डे टू डे सुनवाई की बात कही गई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से हो इसको लेकर याचिका दायर की थी। हालांकि सीबीआई ने भी इसके विरोध में रिज्वाइंडर दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव की याचिका पर को खारिज कर दिया।